नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अन अकेडमी के इस ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म अन अकेडमी अभियान पर जहां पर हम एम पी पी एस सी प्रिलिम्स की यूनिट नाइन को कवर कर रहे हैं दोस्तों यूनिट नाइन के क्रम में ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है और आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में बात करेंगे जो कि इसी साल सिलेबस में नए टॉपिक के रूप में जोड़ा गया है आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी अभियान के नाम से इसको आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको पी मिल सके ये वो सारे कोर्स हैं जो मैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाता हूँ अगर आप इन कोर्सेस को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करें ऐप के बाद एम पी एंड व्यापम के गोल को सिलेक्ट करें ये गोल सिलेक्ट करने के बाद जब आपके सामने पेमेंट स्लाइड करेगी आप वहां पर मेरा कोड लगाएं लगाए Live। जैसे ही आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे आपको 10 प्रतिशत का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा चलिए दोस्तों अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं तो आज के टॉपिक में हमें इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करनी है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें अलग अलग माध्यमों खास करके अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की स्टडी का अध्ययन किया जाता है ठीक है इलेक्ट्रॉन की जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं इन डिफरेंट मीडियम्स सच एज सेमीकंडक्टर अब इलेक्ट्रॉन की एक नया विषय है तो सर हमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ना चाहिए तो दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिकी क्या होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकी में क्या अंतर है इन दो बातों को समझने की कोशिश करेंगे फिर दोस्तों हम बात करेंगे पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड की कि इलेक्ट्रॉनिकी की शुरुआत कैसे हुई अलग अलग डिवाइजेस इलेक्ट्रॉनिकी में कैसे आई इस बारे में हम चर्चा करेंगे फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिकी की शाखाओं के बारे में ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में दो प्रमुख शाखाएं होती हैं एक एनालॉग और दूसरी होती है डिजिटल एनालॉग सिग्नल में सिग्नल निरंतर चलते हैं जबकि डिजिटल सिग्नल में बाइनरी सिग्नल या बाइनरी अंकों का प्रयोग किया जाता है इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे <coughs> इलेक्ट्रॉनिकी से जुड़े हुए शब्दों की यहाँ हमें 12 शब्दों को डिस्कस करना है जिसमें डायोड है ट्रांजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर है इंटीग्रेटेड सर्किट है ऐसे लगभग 12 शब्द हमें डिस्कस करना है और उनके बारे में एक एक लाइन की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है फिर दोस्तों हम बात करेंगे भारत में इलेक्ट्रॉनिकी के विकास के बारे में कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकी का डेवलपमेंट कैसे हुआ और आखिर में पाँच या दस एम लगाएंगे और इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छा एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस टॉपिक को क्यों इंक्लूड किया गया है कारण बड़ा सा बड़ा ही सिंपल है हम इस टॉपिक में शुरुआत से इंटरनेट और उससे संबंधित चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं जब हम इंटरनेट और उससे संबंधित चीज़ें जिन्हें हम आईसीटी उपकरण कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल कहते हैं तो दोस्तों आईसीटी उपकरण जिसमें कंप्यूटर प्रिंटर मोबाइल फोन और दूसरी डिवाइसेस आती हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहलाती हैं क्योंकि उनमें सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है यही कारण है कि इस टॉपिक को हमें यहां पर पढ़ना होगा ठीक है आई विश ये आइडिया आपके दिमाग में आ गया है चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक्स <coughs> ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर बड़ा सिंपल सा है इलेक्ट्रॉनिक्स एक टर्म है और जब इसकी स्टडी आप करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है पिछला कंसेप्ट याद है ना आपको रोबोट robot, रोबोटिक्स तो रोबोट एक पर्टिकुलर टर्म है जब आप रोबोट का अध्ययन करते हैं तो वो रोबोटिक्स हो जाता है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक एक टर्म है जब आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उसकी प्रणाली का अध्ययन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकी हो जाता है बस इतना ही अंतर है पिछली क्लास में आईसीएस को समझा था ना उसी टॉपिक को यहां पर याद रखिएगा तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स <coughs> का मतलब बड़ा ही सिंपल होता है अलग अलग माध्यमों अलग अलग माध्यमों जैसे खासतौर पर जैसे अर्धचालक, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के प्रवाह का अध्ययन करना का अध्ययन करना साथ ही साथ, साथ ही साथ इस प्रणाली से जुड़ी इस प्रणाली से जुड़ी से जुड़ी डिवाइसों या जुड़े कर देते हैं इस प्रणाली से जुड़े उपकरणों का अध्ययन करना उपकरणों का अध्ययन करना ओके okay? इंग्लिश में समझ लेते हैं क्या हो जाएगा इंग्लिश में हो जाएगा स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन वेरियस मीडियम सच एज सेमीकंडक्टर, ठीक है एंड रिलेटेड रिलेटेड डिवाइस ओके तो अब हमें इस पूरी की पूरी परिभाषा से क्या पता पड़ रहा है कि यार इलेक्ट्रॉनिकी में हमें बस दो एक ही चीज का अध्ययन करना है वो यह है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का कहां पर अलग अलग माध्यम जैसे कि अर्धचालक और दूसरा हमें क्या डिस्कस करना है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को का प्रवाह करेंगे जब हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे तो किसी ना किसी उपकरण में तो इसका उपयोग होगा या इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए या फ्लो को बेटर करने के लिए किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत तो पड़ेगी तो अल्टीमेटली दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकी में एक तो हमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन करना होता है वी हैड टू स्टडी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरे नंबर पर इससे जुड़ी हुई उपकरणों का अध्ययन करना होता है इससे जुड़ी हुई डिवाइज़ की हमको स्टडी करनी है तो प्लीज़ ये परिभाषा याद रखना इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि परिभाषा देख लीजिए एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र जो विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे निर्वात गैस धातु अर्धचालक आदि में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह और उन पर आधारित युक्तियों का अध्ययन करता है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द इमिशन बिहेवियर एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ठीक है इतनी बेसिक बात याद रखिएगा चलिए आई विश डेफिनेशन क्लियर हो गई है बहुत आसान परिभाषा है बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों अलग अलग माध्यमों जैसे अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन ही इलेक्ट्रॉनिक स्टडी ऑफ प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट मीडियम सच एज सेमी कंडक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक चलो अब हमें डिस्कस करना है इसके बैकग्राउंड को पृष्ठभूमि को बैकग्राउंड का मतलब यही है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिकी का विकास हुआ कैसे एक के बाद एक चीजें ग्रेजुअली आती गई तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकी के लिए सबसे पहले आवश्यकता थी इलेक्ट्रॉन की जानकारी क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं होती तो इलेक्ट्रॉनिकी नाम की आज एक शाखा ही हम नहीं पढ़ रहे होते तो 1897 में अठारह में जे जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया गया किसके द्वारा जे जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का अविष्कार किया गया दोस्तों 1904 में 1904 में ब्रिटेन के एक इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब का अविष्कार किया ठीक है वैक्यूम ट्यूब वही है जिसके द्वारा इनिशियल कंप्यूटर्स बनाए गए थे उसके बाद टीवी बनाई गई थी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके मॉनिटर बनाए गए थे तो इस वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था किसने किया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने ओके एक मिनट रुकिए शायद कुछ दिक्कत हुई है जस्ट अ मिनट चलिए तो कुछ नहीं एक ग्लिच आ गया था आ जाते हैं ना अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा ओके तो इसके बाद हमने क्या देखा कि इन 1897 में अठारह में जे जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की जाती है 1904 में ब्रिटेन के एक इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया जाता है दोस्तों चीजें ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं अब फील्ड आगे बढ़ती है और 1906 में बहुत बड़ा अविष्कार होता है और ली डे फॉरेस्ट ने दोस्तों ट्रायोड या फिर एम्पलीफायर का अविष्कार किया एम्पलीफायर का मतलब आप जानते हैं किसी भी वोल्टेज को एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है तो 1906 में ली डे फॉरेस्ट के द्वारा ट्रायोड या फिर एम्पलीफायर की खोज की गई जिसके द्वारा वीक रेडियो सिग्नल को एम्प्लीफाई किया गया और इसी के बाद धीरे धीरे करके अमेरिका में रेडियो की शुरुआत भी होती है दोस्तों तो ये बहुत बड़ा डिस्कवरी है अपने आप में तो प्रश्न पूछा जाएगा ट्रायोड या एम्पलीफायर का अविष्कार किसने किया तो याद रखेंगे ली डे फॉरेस्ट के द्वारा ट्रायोड या एम्पलीफायर का अविष्कार किया गया उसके बाद चीजें आगे बढ़ी अब चूंकि वैक्यूम ट्यूब का अविष्कार हो चुका था तो वैक्यूम ट्यूब पर लगातार काम किया जा रहा था तो वैक्यूम ट्यूब के आधार पर ही दुनिया का सामान्य उपयोग वाला कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था एनिय नाम था एनएक एनएक -E -E का फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर दिखाई देता था आज जो एक कंप्यूटर हमारे हाथ में आ जाता है एक जमाने में इतने बड़े बड़े कमरों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब जिसका अविष्कार 1904 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था उसी वैक्यूम ट्यूब के आधार पर 1946 में एनियाक नाम के कंप्यूटर का अविष्कार भी कर दिया गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर इसके बाद 1947, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहेगा 47, 59, 58 ये बड़े इंपॉर्टेंट ईयर हैं 47 में ये हुआ कि एक बेल प्रयोगशाला थी बेल लेबोरेटरी थी तो उसमें जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रिटेन इन तीन लोगों ने मिलकर के दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया किसका आविष्कार किया ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार की दिखने वाली एक डिवाइस होती है इसमें तीन अलग अलग वायर तो नहीं बोलेंगे पर कनेक्शन के लिए तीन अलग अलग बेस दिए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर ट्रांजिस्टर काम करता है तो ट्रांजिस्टर एक बहुत बड़ी खोज है क्योंकि आज हम ट्रांजिस्टर का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार उन्नीस में चूंकि उन्नीस में इसका अविष्कार हुआ था और 1948 में इसे लॉन्च किया गया था तो कई बार ईयर को लेकर के कंफ्यूजन होता है पर आप बस इतना याद रखें कि ट्रांजिस्टर का अविष्कार बेल लेबोरेटरी में काम करने वाले जॉन बार्डीन विलियम शॉकले और बॉल्टर ब्रिटेन के द्वारा किया गया था ठीक है इसके बाद नाइनटीन ठीक है 1959 अब दुनिया में ट्रांजिस्टर नाम की चीज आ चुकी है तो अब हमेशा से आप जानते हैं दोस्तों कि चीज़ों को बेहतर बनाया जाता है जब मोबाइल फ़ोन का अविष्कार हुआ अगर हमने मोबाइल फ़ोन को बेहतर नहीं बनाया होता तो आज भी हम बेसिक फोन यूज़ कर रहे होते तो अब समय था कि इस ट्रांजिस्टर को बेहतर बनाया जाए तो इसी पर काम करते हुए फिर से बेल का सला के दो लोग जिसमें एक थे मोहम्मद अटल्ला और दूसरे थे डाहून कहंग डाउन कहंग और मोहम्मद अटल्ला ने 1959 में एक एडवांस ट्रांस ट्रांजिस्टर बनाया जिसका नाम था मॉसफैट क्या नाम था मॉसफेट तो मॉसफेट एक एडवांस ट्रांजिस्टर था जिसका निर्माण बेल कार्यशाला में काम करने वाले मोहम्मद अटल्ला और डावोन कहंग ने किया था तो यह भी पूछ लिया जाता है सिर्फ इतना भी प्रश्न आ सकता है कि मॉसफेट क्या था तो आंसर करेंगे यह एक ट्रांजिस्टर था इसका अविष्कार किसने किया तो बेल लेबोरेटरी के मोहम्मद अटल्ला और डागोन कहंग के द्वारा इसका अविष्कार किया गया था दोस्तों आगे बढ़ते हैं 1958 कई जगह पर लिखा रहता है 1959 उसमें भी मैं आपको बता देता हूं दिक्कत क्या है 1958 में इसे बना लिया गया था और 1959 में लॉन्च किया गया था किस चीज को इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप्ड बाय रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी जैक किलबी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा नॉइस के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का निर्माण किया गया 1958 में अगर 1958 ऑप्शन में नहीं है तो 1959 लगाया जा सकता है ये चीज याद रखनी है ठीक है कि द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप्ड बाय रॉबर्ट नॉइस एंड जॉब जैक किल्बी ओके इसके बाद दोस्तों 1971 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी की पूरी की पूरी दुनिया बदलने वाली है क्योंकि 1979 में इंटेल कंपनी के द्वारा इंटेल फोर जीरो जीरो फोर नाम के पहले माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया जो कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल था और आप और हम सभी लोग जानते हैं कि आज अगर हम कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर का बहुत बड़ा योगदान है तो इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 में इंटेल 4004, जो कि एक चार बिट का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था इस माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत की गई माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट करने में एडवर्ड टेड हॉफ स्टैनली मेजर और फेडरिको फैगिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा इन तीन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया इंटेल 4004 को डेवलप करने में अब प्रश्न क्या बन सकता है प्रश्न ये आ सकता है कि दुनिया में पहले कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताइए तो इंटेल 4004 हो जाएगा इंटेल 4004 को किस वर्ष बनाया क्या 1971 किसने बनाया तो भैया टेड हॉफ इसमें शामिल थे स्टैंडली मेजल और फेडरिको फैगिन इसमें शामिल थे तीन लोगों ने मिलकर के इसका निर्माण किया था तो दोस्तों ये पूरा एक इतिहास है जो हमने यहाँ पर पढ़ा इसमें हमने कुछ प्रमुख बातों को समझा जैसे इलेक्ट्रॉन का अविष्कार किसने किया तो जे जे थॉम्सन के द्वारा 1897 में इलेक्ट्रॉन का अविष्कार किया गया वैक्यूम ट्यूब का अविष्कार किसने किया तो फ्लेमिंग के द्वारा फ्लेमिंग के द्वारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया तीसरा ट्रायोड का अविष्कार किसने किया दोस्तों तो डी डे फॉरेस्ट ली डे फॉरेस्ट के द्वारा ट्रायोड का अविष्कार किया गया इसके बाद एनियाक कंप्यूटर कब बनाया गया तो एनियाक नाम का जो कंप्यूटर है जो कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था उन्नीस में बनाया गया फिर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर की खोज किसने की तो ट्रांजिस्टर की खोज करने वाले का नाम था जैक किल्बी जैक किल्बी जैक किल्बी ने उन्नीस ठीक है 1947 में ट्रांजिस्टर की खोज की 1947 में ट्रांजिस्टर की खोज की मॉसफेट क्या है तो याद रखना ये एक ट्रांजिस्टर है ये एक ट्रांजिस्टर है जिसे मोहम्मद अटल्ला और डिवोंग के डिवोंग के द्वारा खोजा गया था फिर दोस्तों सातवा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा कि भैया इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज किसने की आईसी की खोज किसने की तो याद रखना इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज करने वाले थे अच्छा यहां पर मैंने गलती कर दी ठीक है इनका नाम था जैक किल्बी यहां पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा जैक किल्बी यहां पर था दोस्तों रॉबर्ट शाकले माफ कीजिए ठीक कर लिए प्लीज रॉबर्ट शॉकले Okay? तो ये चीज याद रखनी है और दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल फोर था जो कि 1971 में लॉन्च किया गया था तो ये पूरा का पूरा एक इतिहास है जो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया चलिए तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिकी की शाखाओं के बारे में ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकी की बहुत सारी शाखाएं हैं बहुत सारी ब्रांचेस हैं लेकिन दो शाखाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं एक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी और दूसरा होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी बेसिक अंतर समझ लो परिभाषा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखिए एनोलॉग इलेक्ट्रॉनिकी में जो सिग्नल होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं या निरंतर होते हैं ठीक है निरंतर होते हैं जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी के जो सिग्नल होते हैं दोस्तों उसमें बाइनरी अंकों का इस्तेमाल किया जाता है किसका इस्तेमाल किया जाता है बाइनरी अंकों या बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है जो जीरो या वन के फॉर्म में होते हैं बस इतनी ही बात याद रखना है आज के ज़माने में हम डिजिटल सिग्नलों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और कंप्यूटर वाले इंटरनेट uh, वाले में हमने पढ़ा भी था कि मॉडर्न क्या करता है एनोलॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनोलॉग सिग्नल में तब्दील करता है तो बस यही दो इलेक्ट्रॉनिकी की सबसे प्रमुख शाखाएं हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी और एनोलॉग इलेक्ट्रॉनिकी डिजिटल जो <coughs> सॉरी एनोलॉग जो इलेक्ट्रॉनिकी है उसमें निरंतर सिग्नल आते हैं और विद्युत स्पंदनों का उपयोग किया जाता है जबकि डिजिटल सिग्नलों में बाइनरी अंकों का उपयोग किया जाता है दोस्तों इसके अलावा इतनी सारी ब्रांचेस हैं जैसे कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डिज़ाइन इंटीग्रेटेड सर्किट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर डिवाइस एम्बेडेड सिस्टम ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स टेली ठीक है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और बायो इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि हर जगह अब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है बायो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत उपयोग है बायो इलेक्ट्रॉनिक में जो हम जैव संवर्धन के लिए चीज़ें बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिकी का उपयोग किया जा रहा है नैनो जब हम डिवाइस बनाएंगे वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिकी की आवश्यकता पड़ेगी तो इतनी सारी ब्रांचेस अब हो चुकी हैं। लेकिन इतना ही आपसे पूछेगा कि भैया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में किस प्रकार के सिग्नलों का उपयोग किया जाता है तो डिजिटल सिग्नल का उपयोग किया जाता है जो बाइनरी अंकों के रूप में होते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हमें एक और महत्वपूर्ण बात को डिस्कस करना है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिकी से जुड़ी हुई शब्द वर्ड असोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक गलत हो गया इसको ठीक कर देंगे ठीक है इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनिकी तो, से जुड़े हुए शब्दों को अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी वेरियस वर्ड्स असोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिकी तो दोस्तों बारह शब्दों का अध्ययन करना है जो इलेक्ट्रॉनिकी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पहले हमें समझना होगा अर्ध चालक अर्थात सेमीकंडक्टर क्या होता है फिर हम प्रेरक अर्थात इंडक्टर को समझेंगे प्रतिरोधक रेजिस्टर की हम बात करेंगे संधारित्र कैपेसिटर की हम बात करेंगे डायोड का अध्ययन करेंगे ट्रांजिस्टर की बात करेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर कोर फ्यूज रेक्टिफायर और इन्वर्टर के बारे में बात करना है देखो यहाँ से जो प्रश्न आएगा ना वो सिंपल सा प्रश्न आएगा उस डिवाइस का नाम बताइए जो जो सिग्नल को एम्पलीफाई करती है ऐसे कुछ प्रश्न निकल करके आएंगे तो एक एक लाइन पता होना चाहिए मैंने यहां पर थोड़ा सा डिटेल में दिया है ताकि आप आराम से पढ़ पाए अदरवाइज एक एक लाइन भी अगर आपको याद रहेगी ना कि इस डिवाइस का यह काम होता है बस वहां पर आप ऑप्शन टिक कर पाएंगे प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिकी से जुड़ी हुई है या कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिकी से नहीं जुड़ी हुई है तो ये नाम भी पता होना चाहिए कि ये वो सारी डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रॉनिकी से जुड़ी हुई है ठीक है चलिए एक एक डिवाइस को पढ़ना शुरू करते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं सबसे पहले है दोस्तों अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर की परिभाषा देखते हैं सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी है बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर सच एज ठीक है ये देख लेते हैं एक बार अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से ज्यादा होती है उदाहरण के लिए सिलिकॉन जर्मेनियम कैडियम सल्फाइड गैलियम आर्सेनाइड आदि अब देखो दो शब्द तो आप बचपन से जानते हैं एक शब्द होता है चालक और एक शब्द क्या होता है कुचालक ओके इंग्लिश में आई थिंक यही बोलते होंगे जो लिखा हुआ है एक कंडक्टर और एक शब्द आपने सुना होगा नॉन कंडक्टर ओके चालक का मतलब क्या होता है ऐसे कोई भी धातु जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है जिसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं और कुचालक का मतलब क्या होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता जैसे रबड़ तो रबड़ को हम कुचालक में उपयोग करते हैं लेकिन लोहा या तांबा इसको हम चालक बोलते हैं क्योंकि इसके माध्यम से विद्युत एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है तो सर चालक तो क्लियर है कुचालक भी क्लियर है लेकिन ये अर्धचालक क्या होगा अब शब्द को ही समझो ना आप अर्ध चालक जो आधा चालक है और आधा कुचालक है <coughs> आप करने के लिए कुछ दिक्कत है आज जो आधा चालक है और आधा कुचालक है तो अर्ध चालक या सेमीकंडक्टर का सिंपल सा मतलब होता है सेमीकंडक्टर ऐसी धातु या धातुओं का ऐसा मिश्रण होता है ठीक है धातु या ऐसी धातुओं का मिश्रण होता है जो चालक और कुचालक के बीच में कहीं आती है जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में कहीं आती है या दोनों का एक मिश्रण होता है ये चीज याद रखनी है ठीक है अब देखें दोस्तों सेमी कंडक्टर का उपयोग करके अच्छा सेमी कंडक्टर में सिलिकॉन का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है और आप जानते हैं कि अधिकांश जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है बहुत सारी डिवाइस बनाई जाती हैं, जैसे रेजिस्टर एक डिवाइस होती है कैपेसिटर डायोड ट्रांजिस्टर आईसी इन सारी डिवाइसेस में अर्ध चालक का ही उपयोग किया जाता है क्यों किया जाता है तो उसको शुरू में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिकी क्या है इलेक्ट्रॉनिकी इलेक्ट्रॉन का अर्ध चालक और दूसरे अन्य माध्यमों में प्रवाह का अध्ययन है तो भैया इलेक्ट्रॉनिकी का बेस क्या हो गया एक तो इलेक्ट्रॉन जिसके फ्लो को हम डिस्कस कर रहे हैं और दूसरा बेस हो जाएगा सेमीकंडक्टर, क्योंकि अधिकांश जो डिवाइसेस हैं वो सेमीकंडक्टर का उपयोग करके ही बनाई जाती हैं और उसमें भी सिलीकॉन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रेरक को डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इंडक्टर क्या होता है प्रेरक का मतलब क्या है दोस्तों तो आसान है, देखिए यहाँ पर बने भी हुए हैं प्रेरक या इंडक्टर एक विद्युत अवैध अव्यय है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है बस 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 इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है एक शब्द क्या याद रखोगे देखो ना आपको एक्सपर्ट बनना है और सच बताऊं आप सभी जानते हैं जो मुझसे प्लस में पढ़ रहे हैं कि मेरा भी साइंस अच्छा नहीं है प्रेरक का मतलब होता है प्रेरक एक, एक ऐसी डिवाइस है जो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करती है जो क्या करती है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को एक प्रकार से स्टोर करती है क्या करती है स्टोर करती है तो बस इतनी सी बात याद रखना इसी डिवाइस को प्रेरक कहा जाता है इसे कॉइल भी कहा जाता है इसे चोक भी कहा जाता है इसे रिएक्टर भी कहा जाता है ये इसके अन्य नाम हैं एक मिनट का समय दीजिएगा दोस्तों बस चलिए तो आगे बढ़ते हैं दो शब्द क्लियर हो गए शब्दों का बस मतलब याद रखते चलना बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सेमीकंडक्टर एक ऐसी धातु या धातुओं का मिश्रण होता है जो चालक और कुचालक के बीच में काम करता है या दोनों के गुण होते हैं अधिकांश इलेक्ट्रॉनिकी के उपकरण कुचालक का उपयोग करके बनाए जाते हैं सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है इंडक्टर या प्रेरक जिसे क्वाइल भी कहा जाता है चोक भी कहा जाता है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है इस प्रकार ये चीज़ें दिखाई देती हैं चलिए दोस्तों अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं और अगला शब्द है प्रतिरोधक जिसे रिसिस्टर कहा जाता है तो अब हम रिसिस्टर या प्रतिरोधक की बात करेंगे तो यहाँ पे ना शब्द ही क्लियर हो रहा होगा किसी चीज को रोकना एक प्रकार से किसी चीज़ को रोकना ही प्रतिरोधक कहलाता है तो आइए समझते हैं इसकी परिभाषा को यह ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण है जिसकी मदद से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच इज यूज फॉर दी कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड दी वोल्टेज तो इसके द्वारा करंट को कंट्रोल किया जाता है उसके अगर बहुत ज्यादा फ्लो है तो एक प्रकार का ब्रेकर लगाया जाता है दोस्तों ठीक है तो इसी को हम क्या बोलते हैं रेसिस्टर बोलते हैं या प्रतिरोधक बोलते हैं इसके दो प्रकार होते हैं एक लीडियर रिसिस्टर और एक नॉन नीलियर रिसिस्टर इससे ज्यादा नहीं पड़ना है अगला है कैपेसिटर जिसको कहा जाता है संधारित्र क्या कहा जाता है संधारित्र आ जाता है ध्यान दीजिए पर। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में स्टोर करती है अब देखो अंतर समझ रहे हो ना एक शब्द है कैपेसिटर ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे स्टोर कर रहा है इलेक्ट एनर्जी को कैसे स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में और अभी हमने पढ़ा था इंडक्टर तो इंडक्टर कैसे स्टोर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में तो याद रखना दोस्तों दोनों शब्द कौन कौन से शब्द एक शब्द हो गया इंडक्टर इंडक्टर जिसे प्रेरक कहा जाता है और दूसरा शब्द हो जाएगा कैपेसिटर कैपेसिटर ठीक है जिसे संधारित्र कहा जाता है दोनों का ही काम क्या है दोनों का एक कॉमन काम है कि ये दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं ऊर्जा का भंडारण करते हैं लेकिन इंडक्टर एनर्जी को मैग्नेटिक uh, फील्ड के रूप में स्टोर करता है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर करता है लेकिन कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है यही दोनों में एक बेसिक अंतर है इस प्रकार का दिखाई देता है दोस्तों कैपेसिटर इसकी यूनिट फैराडे होती है और इसका आविष्कार एवाल गॉर्ज के द्वारा किया गया था जॉर्ज के द्वारा किया गया था ठीक चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं अगला शब्द है डायोड <coughs> कौन सा शब्द है डायोड डायोड के बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों कि डायोड का मतलब आखिरकार क्या होता है ठीक है तो डायोड क्या है समझते हैं अ डायोड इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस डेट इसली एक्ट एज अ वन वे स्विच फॉर द करेंट इट अलाउज टू फ्लो इजिली वन डायरेक्शन बट सेवरल रिस्ट्रिक्शन करंट फ्लो फ्लोइंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन बहुत सिंपल डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो करंट को एक दिशा में जाने की अनुमति देता है और दूसरी दिशा में जाने से रोकता है जनरली दो दिशा होती है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं तो अगर हमने डायोड का इस्तेमाल कर दिया तो अब करंट एक ही दिशा में जाएगा एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो ये कुछ ऐसा मान लीजिए कि भैया यहां से एक नदी आ रही थी जो कि अभी दो अलग अलग दिशाओं में बह रही थी आपने क्या किया आपने बीच में डायोड नाम की एक डिवाइस को लगा दिया और अब ये नदी एक ही दिशा में बहने लगी है तो इसी को क्या कहा जाता है डायोड कहा जाता है तो सिंपल एक वर्ड याद रखना डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है टू इट अलाउस करंट टू फ्लो इजिली इन दी वन डायरेक्शन और दूसरी दिशा में जाने से इसे रोकता है दोस्तों ये जो डायोड है ना इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं जैसे कि इसका एक प्रकार है नॉर्मल डायोड जेनर डायोड पी एन डायोड लाइट इमिटिंग डायोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसी को हम एलईडी बोलते हैं लेजर डायोड इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है ठीक है स्कॉटली डायोड और फोटो डायोड अब देखिए हर एक के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है पी एन डायोड आप खुद पढ़ सकते हैं पी और एन को जोड़ने वाले डायोड को पी एन डायोड कहा जाता है कुछ बातें यहां मैं आपको बता देता हूं एल ई डी या लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में एलईडी का एक तो फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में कि एलईडी का पूरा फुल फॉर्म क्या है तो बताएंगे लाइट इमिटिंग डायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड अब ये कुछ इस प्रकार की एलईडी है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल दोस्तों एलईडी का अब हम कर रहे हैं कभी भी आप देखना एलईडी एक पर्टिकुलर बल्ब नहीं होता उसमें छोटी 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 स्ट्रिप लगाई जाती हैं किसी भी एलईडी को आप देख लीजिए और उसमें लगातार एनर्जी जनरेट होती रहती है तो आइए पढ़ते हैं एलईडी या लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में प्रकाश उत्सर्जक एक अर्धचालक डायोड होता है तो 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 क्लियर है 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 ये ये क्या एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है। तो इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है बस इतनी ही बात याद रखनी है और किस रूप में प्रकाश आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा को फोटोन के रूप में परिवर्तित करता है और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है अगली बात इसका इन्वेंशन एच जे राउंड ऑली जेम्स आर बियर्ड और निक हॉल्किस के द्वारा किया गया था तो एल ई डी का मतलब क्या हो गया एल ई डी एक सेमी कंडक्टर डायोड है अर्ध चालक डायोड है जो क्या करेगा दोस्तों जिसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यह प्रकाश का उत्सर्जन करेगा यह इसका काम है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद जेनर डायोड एक और डायोड का प्रकार है जेनर डायोड पढ़ लेते हैं इसके बारे में जेनर डायोड का आविष्कार क्लियरेंस जेनर ने उन्नीस में किया था यह डायोड एक सामान्य डायोड की तरह बिजली को आगे की दिशा में प्रवाहित करने का काम करता है लेकिन जब कभी वोल्टेज ब्रेकडाउन होता है तो वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो उस समय उल्टी दिशा में बहने का काम करता है पता है एक प्रकार का यह स्टेबलाइजर है एक प्रकार का स्टेबलाइजर है जेनर डायोड ये भी क्या कर रहा है तो ये भी सिंपल सा ही काम कर रहा है कि भैया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट जाना चाहिए डायोड का मतलब तो यही है ना जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है तो उसी को हम डायोड बोल देते हैं एक ऐसी डिवाइस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराए लेकिन जेनर डायोड ये करता है कि मान लो एक पर्टिकुलर करंट जा रहा बढ़िया करेंट जा रहा कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हुआ तो फिर डिवाइस को बचाने के लिए वो दूसरी डायरेक्शन में भी करेंट को फ्लो करेगा ताकि वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन हुआ है उसको बैलेंस किया जा सके तो यही काम करेगा दोस्तों जेनर डायोड ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद है लेजर डायोड तो ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है लेजर का फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन ये लेजर का फुल फॉर्म है लेजर डायोड इंजेक्शन लेजर डायोड के नाम से जाना जाता है यह डायोड लाइट इमिटिंग डायोड अर्थात एलईडी की तरह काम करता है लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली लाइट की वजह यह एक लेजर बीम का निर्माण करता है लेजर डायोड का इस्तेमाल बारकोड रीडर के लिए देखा ही होगा आपने अलग अलग अगर आप सभी भी शॉपिंग मॉल या विशाल वगैरह गए हैं तो वहां इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है लेजर पॉइंटर एवं फाइबर ऑप्टिक्स के अलावा अन्य कार्यों में किया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है लाइट इम्प्लीफाइंग डायोड कहा जाता है या लाइट इम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमिल्स इमिशन ऑफ रेडिएशन कहा जाता है तो ये डायोड के प्रकार हैं। बस ज्यादा पता नहीं होना चाहिए बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी रखेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की बात करते हैं अब हमें डिस्कस करना है कि आखिरकार ट्रांजिस्टर का क्या काम होता है और एक एक शब्द याद रखना है जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूं कि डायोड का काम क्या है जो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करे और दूसरी डायरेक्शन में जाने से रोके कैपेसिटर क्या करता है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है ठीक है तो इस प्रकार की चीजें याद रखेंगे इतने में हमारा काम हो जाएगा दोस्तों अब अगला शब्द आ रहा है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर वही एलियन जैसा दिखता है तीन तीन ऐसे पेयर होते हैं उसके ठीक है इसी को ट्रांजिस्टर बोलते हैं चलो देख लो लो इसको समझ भैया ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर क्या है तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डिन और विलियम उन्नीस ने सैतालीस में बेल लैब्स में किया था तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजिस्टर एक ऐसा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और विद्युत शक्ति को स्विच या एम्प्लीफाई करने के लिए किया जाता है सीधी सी बात है कंट्रोल करने के लिए किया जाता है किसके लिए किया जाता है कंट्रोल करने के लिए किया जाता है एम्पलीफाई मतलब कम करना है कि ज़्यादा करना है इसमें हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ से मिलकर के बनता है इसके लिए अधिकांशतः सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है अब ट्रांजिस्टर में आपने देखा होगा कि इसमें तीन अलग अलग ऐसे बायर निकले रहते हैं तो इन तीनों को पता क्या है ये कहलाते हैं टर्मिनल क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं टर्मिनल पहला टर्मिनल दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल और इनके नाम भी हैं दोस्तों मान लीजिए इसको कहा जाता है बेस ये पहला टर्मिनल हो गया दूसरा हो जाएगा कलेक्टर कलेक्टर और तीसरे टर्मिनल का नाम है अमीटर ठीक है तो ये तीन अलग अलग इसके क्या होते हैं टर्मिनल होते हैं दोस्तों बेस कलेक्टर और अमीटर बेस क्या करता है ये ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करता है कलेक्टर क्या करता है ये पॉजिटिव लीड करता है और एमिटर नेगेटिव होता है ठीक है तो बेस क्या करेगा बेस इसको एक्टिवेट करेगा और कलेक्टर क्या है तो ये पॉजिटिव है दोस्तों और एमिटर क्या है नेगेटिव है ओके okay, कलेक्टर बड़ी नौकरी होती है तो पॉजिटिव ही होगा और एमिटर कुछ है ही नहीं तो उसको नेगेटिव बना लो तो इस प्रकार से काम करता है तो ट्रांजिस्टर के बारे में सवाल क्या क्या आएंगे ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया तो सबसे बड़ा नाम है विलियम शॉकले का 1947 में बेल प्रयोगशाला में काम करते हुए इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था ये क्या करता है तो सिंपल बताएंगे इंग्लिश वाले ऑप्शन को पढ़ के कि ये सिग्नल को एम्प्लीफाई करता है या उनको स्विच करता है क्या करता है स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और एम्पलीफाई अर्थात उनको नियंत्रण करता है ज्यादा या कम करने की शक्ति इसमें कितने टर्मिनल होते हैं तो तीन टर्मिनल होते हैं बेस जो कि एक्टिवेट करेगा कलेक्टर पॉजिटिव चार्ज और एमिटर नेगेटिव चार्ज तो तीन इसमें टर्मिनल होते हैं इतनी बातें दोस्तों ट्रांजिस्टर के बारे में याद रखिएगा अब हम सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस की बात करेंगे इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ ये वो पहली खूबसूरत डिवाइस होगी जो बचपन में आपने देखी होगी इसमें बहुत सारी देखो कितनी सारी धाराएं बनी लगती हैं ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बहुत अच्छा रेसिंग ट्रैक बना दिया है कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है और उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है हमारे चाचा जी हैं जो कि वो सुधारते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वगैरह उपकरण होते देखा करते थे उनके पास टीवी भी सुधरने आती थी तो उसमें ये आईसी चिप लगी रहती थी समझ नहीं था तो क्या है पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी डिवाइस जितनी भी डिवाइस हम अब तक पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं कैपेसिटर पढ़ रहे हैं और भी डिवाइस पढ़ रही हैं उन सब डिवाइस को जब एकीकृत आप कर देते हैं तो उसी को इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है एकीकृत परिपथ कहा जाता है आइए समझिए चीजों को यह एक सिलिकॉन की ऐसी चिप होती है या छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए होते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं भैया इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ जाएंगे कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पढ़े हमने बारह नाम है डायोड भी आ जाएगा ट्रांजिस्टर भी आ जाएगा तो सीधी सी बात है पता है इसको कैसे याद रखना हम गए एक शादी में शादी में हमने देखा कि भैया बुफे चल रहा है हमारी भाषा में बफर ही बोलते हैं अपन लोग बफर ही बोलते हैं पर ऐसा उसको, उसको बुफे बोलते हैं लोगों ने कहा ऐसा मुझसे ठीक है तो बफर सिस्टम में अपन गए तो अपन ने देखा कि भैया यह यह यहाँ देखो पनीर की सब्ज़ी यहाँ देखो भैया पालक पनीर की सब्ज़ी यहाँ पर दाल है यहाँ पर डोसा है यहाँ पर यहाँ तो पर वो है अपन गए अपन ने सबको थोड़ा 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 एक थाली में लगा लिया अब जब हमने थाली में वो सारी चीज़ों को लगा लिया लोग देख के कुछ भी कहेंगे पर हमारा काम नहीं है वो हमने थाली में सब कुछ को लगा लिया दोस्तों और वही थाली क्या कहलाएगी इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाएगी कैसे क्योंकि आपने हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें डायोड शामिल था ट्रांजिस्टर शामिल था माइक्रोप्रोसेसर शामिल था सब आपने लिया और एक जगह पर लगा दिया तो एक खूबसूरत सी थाली छप्पन भोग वाली थाली इसी को इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाएगा आईसी कहा जाएगा जो अधिकांश तह का बनाया जाता है दोस्तों इसका आविष्कार नाइनटीन में रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्बी के द्वारा किया गया था एकीकृत परिपथ को दूसरे कुछ नामों से जाना जाता है आईसी के अलावा इसे माइक्रो सर्किट भी कहते हैं इसे माइक्रो चिप भी कहते हैं सिलिकॉन चिप कहते हैं या चिप के नाम से भी ये जाना जाता है और किससे बनी होती है तो सिलिकॉन से ये बनी बनी होती है ये फोटो देख करके आप समझ सकते हैं पता नहीं यार अब सर्दी होने वाली में बहुत दिक्कत है कल से चलो आगे बढ़ते एक चैप्टर और अब जाए सर्दी ना हो यार आईसीटी वाला बस अब ये देखें अच्छा ये ट्रांजिस्टर के टाइप यहां पर आ गए अच्छा ये ट्रांजिस्टर के टाइप है ये मैं ठीक कर दूंगा ये वहां पर पढ़ लीजिएगा पढ़ना नहीं है बस मैंने आपके लिए बताने के लिए दीजिए ये देखिए अब हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ के प्रकारों का अध्ययन करना है कि भैया ये जो आईसी है ये कितने प्रकार की होती है तो दोस्तों तीन प्रकार की आईसी होती है एक होती है एनालॉग आईसी दूसरी होती है डिजिटल आईसी और तीसरी होती है मिक्स्ड आईसी तीनों में क्या अंतर है समझे एनालॉग आईसी में इनपुट और आउटपुट सिग्नल निरंतर काम करते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया था ना एनोलॉग इलेक्ट्रॉन की जिसमें सिग्नल रेगुलर आते हैं डिजिटल आईसी में क्या होगा यही सिग्नल बाइनरी अंक के रूप में आएंगे किसके रूप में आएंगे बाइनरी अंक के रूप में आएंगे दोस्तों और आज में आज जितने भी माइक्रो प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं वो इसी चीज पर काम करते हैं आज जो हम माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं ना वो डिजिटल आईसी होता है या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी होता है और एक होता है मिश्रित तो आप मतलब समझ सकते हैं ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट जो एनालॉग और डिजिटल दोनों ही चीज़ें जिसमें होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों मिश्रित बोलते हैं या मिक्स्ड इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं तो आसान है बहुत सिंपल सी बात है एनालॉग में क्या होगा सिग्नल निरंतर आएंगे कंटिन्यू आएंगे डिजिटल में क्या होगा इसमें बाइनरी फॉर्म में सिग्नल आएंगे और मिक्स्ड में क्या होगा तो इसमें दोस्तों एनालॉग प्लस बाइनरी दोनों में सिग्नल आएंगे ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद रखना है अभी सबसे ज़्यादा उपयोग किसका है तो सबसे ज्यादा उपयोग हम कर रहे हैं डिजिटल आईसी का इसका डिजिटल आईसी का उपयोग हम कर रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं अगला अच्छा ये कुछ और भी होती है एक होती है प्रोग्रामेबल आईसी टाइमर आईसी कॉपरेटर आईसी स्विचिंग आईसी तो ये आप पढ़ लीजिएगा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टॉप वॉच में हम टाइमर आईसी का उपयोग करते हैं इसको वोल्टेज या पिन भी कहा जाता है तो ये आप पढ़ लीजिएगा उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है अब दोस्तों हमें एकीकृत पथ की पीढ़ियों को डिस्कस करना है जनरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करना है कि आईसी कैसे डेवलप हुई तो सबसे पहले जो आईसी आई इसे कहा जाता था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और इसमें कितने ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स हो, होते थे तो एक से लेकर के दस तक इसमें ट्रांजिस्टर हुआ करते थे उसके बाद मीडियम स्केल इंटीग्रेशन फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अब हम उपयोग कर रहे हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का तो ये क्या है ये आईसी की अलग 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 स्टेजेस हैं सबसे पहले हम एस एस आई का उपयोग करते थे फिर मीडियम फिर लार्ज फिर वेरी लार्ज और अब अल्ट्रा लार्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है ये जो संख्या है ये ट्रांजिस्टर के आधार पर होती है जैसे कि स्मॉल में एक से दस तक के ट्रांजिस्टर होते हैं मीडियम में दस से पाँच सौ के बीच में होते हैं लार्ज में पाँच सौ से बीस हजार के बीच में होते हैं वेरी लार्ज में बीस हजार से दस लाख के बीच में होते हैं जबकि अल्ट्रा लार्ज में दस लाख से ज्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं जो इसकी स्पीड इस को निर्धारित करते हैं कि कितनी ज्यादा स्पीड इस, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड सर्किट से हमें मिलने वाली है तो इसमें ना फुल फॉर्म पूछ लेगा वो आपसे यू एन एस आई का फुलफॉर्म क्या है इस प्रकार की चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं तो इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ लेना नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स मुश्किल ही है पूछे लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा एक बार पर फुल फॉर्म ध्यान से याद रखना एल एस आई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वी एल एस आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कि आखिरकार माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिजिटल उपकरण है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग करके तैयार किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी चिप के नाम से भी जाना जाता है यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और हर एक चीज में क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है इसकी शक्ति गीगा हर्ट्ज में भी नापी जाती है जी एच गीगा हर्ट, कितना बोलते ना गीगा हट का प्रोसेसर है ये इसके बाद अगला शब्द है प्रोसेसर कोर कोर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर गणना करने वाली एक यूनिट या चिप होती है इसी चिप पर प्रोसेसर की गति निर्भर करती है इनकी संख्या के आधार पर प्रोसेसर के नाम रखे गए हैं डुअल कोर इसमें दो कोर होते हैं क्वाड कोर इसमें चार कोर होते हैं, हेक्सा कोर ये मल्टी कोर इसमें छह कोर होते हैं ऑक्टा कोर इसमें आठ कोर होते हैं और डेका कोर इसमें दस कोर होते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि प्रोसेसर क्या होता है अब हम बात करेंगे फ्यूज़ तो फ्यूज का मतलब आपको पता है कि ये बिजली से होने वाले नुकसान को बचाता है जैसे अगर आपने कहीं फ्यूज़ लगाया है और कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया कि उसको एम्पलीफायर वगैरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या होगा दोस्तों फ्यूज उड़ जाता है तो वो बिजली के पूरे लोड को ख़त्म कर देता है लाइट बंद हो जाती है लेकिन वो फ्यूज़ आपके घर की बिजली को बचा लेता है दूसरा होता है रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो ए करंट को डी में बदलने का काम करती है क्या करती है ए करंट को डी में बदलने का काम करती है और इसके बाद आता है इन्वर्टर तो विद्युत इन्वर्टर या पावर इन्वर्टर आप पता ही इन्वर्टर क्या करता है ये भी डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करेगा तो यहां पर रेक्टिफायर क्या कर रहा था एसी को डीसी में बदल रहा था और इन्वर्टर क्या करेगा ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा ये दोस्तों अलग अलग सिंबल हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के एक मिनट इसको देखिए फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं चलिए तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब दोस्तों बस आखिरी का ही टॉपिक बचा है और अब हमें डिस्कस करना है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिकी का विकास कैसे हुआ कौन कौन सी संस्थाएं इसके लिए बनाई गई फिर आखिरी में हम पाँच या दस एम को लगाएंगे और इस टॉपिक को दोस्तों हम खत्म करेंगे तो आइए डिस्कस करते हैं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिकी का विकास कैसे हुआ तो भारत में इलेक्ट्रॉनिकी के विकास को होमी जहांगीर भाभा और विक्रम सारा भाई ने शुरू किया था और दोनों के प्रोत्साहन से भारत में इलेक्ट्रॉनिकी का विकास हो पाया 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई 26 जून उन्नीस को सेंट चौहत्तर को सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में स्थापित की गई 1980 में स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन की शुरुआत की गई जो मानक प्राधिकरण है उन्नीस में दोस्तों समीर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया समीर का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इसके बाद उन्नीस से उन्नीस में जब सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी सेवेंथ फाइव ईयर प्लान चल रहा था जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिकी को बहुत बढ़ावा दिया और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसको बहुत प्रोत्साहन मिला उन्नीस में पुणे में सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई जिसे सी मैट के नाम से जाना जाता है आगे दोस्तों 1 अप्रैल उन्नीस को इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की शुरुआत की जाती है 6 नवंबर उन्नीस को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शुरू किया गया 2000 में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड को बनाया गया और 2019 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति की घोषणा की गई जो कि 2012 की नीति को ख़त्म करती है तो 2012 में भी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी लगाई गई थी और उसको चेंज करके 2019 में अभी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी लाई गई है तो इस तरीके से भारत में इलेक्ट्रॉनिकी का विकास हुआ है डेवलपमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉनिकी का चलिए दोस्तों अब हम कुछ एम को सॉल्व कर लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं पहला प्रश्न है कि एम्पलीफायर की खोज किसने की जिसे हम ट्रायोड के रूप में भी जानते हैं तो इसका सही जवाब होगा ली डे फोरेस्ट के द्वारा एम्पलीफायर की खोज की गई थी ऋणात्मक खोलों के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवर्धन होता है तो दोस्तों पी और एन दो प्रकार की चीजें होती हैं पी पॉजिटिव को दर्शाता है और एन नेगेटिव को दर्शाता है तो इसका सही जवाब होगा बी एन ठीक है पी और एन पदार्थों के बीच बनने वाली सीमा को क्या कहा जाता है तो उसे जंक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं जंक्शन पी एन जंक्शन डायोड सुना ही था हमने अभी जंक्शन बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट का किसने किया माइकल जैक किल्बी लियोन कूपर तो जैक किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट का अविष्कार किया गया था अगला निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाकर मिलाए जाने की विधि क्या कहलाती है इसको डोपिंग बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं डोपिंग कहा जाता है मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चयनित किया गया है तो दोस्तों भोपाल और जबलपुर को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए चयनित किया गया है एलईडी का पूरा नाम क्या है तो लाइट इमिटिंग डायोड है ओके भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई थी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां पर है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहां पर है तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना कब शुरू की गई तो 1994 में इस योजना को शुरू किया गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो जे जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी ठीक है। मोसफेट जो कि एक ट्रांजिस्टर है का आविष्कार किसने किया मोहम्मद अटल्ला डाबोन कहंग तो दोनों के द्वारा ही दोस्तों 1959 एक बार चेक कर मैं MOSFET नाम के ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था एकीकृत कितने प्रकार का होता है आईसी तीन प्रकार की होती है एनोलॉग डिजिटल तीनों सही ओके, okay? का पूरा नाम क्या है तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसमें कुछ बीस हजार से लेकर के दस लाख तक ट्रांजिस्टर्स आते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में ट्रांजिस्टर की संख्या एक से दस के बीच में होती है तो इसी के साथ को डिस्कस करना है वो टॉपिक खत्म करेंगे थोड़ा सा समय उसको बनाने में लगेगा ये दो लेक्चर बनाने में आपको लग रहा होगा कि ये लेक्चर एक घंटे में खत्म हो गया पर ट्रस्ट मी मेरे जैसे नॉन साइंस बैकग्राउंड के बंदे को इस लेक्चर बनाने में लगभग दिन का समय लगा है तो कंटेंट मैंने कोशिश की है अच्छा रहे मुझे तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ये वो कोर्स है जो मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं अगर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो प्लीज आप मेरे कोड का इस्तेमाल करें एस जी लाइव ओके थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर टूडेज़ क्लास मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अन अकेडमी के इस ब्रांड न्यू कर लीजिएगा फिफ्टीन फिफ्टी एट में थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर टूडे क्लास मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू